Happy New Year! Okay, Happy New Year! Happy New Year! Pari, Happy New Year! Happy New Year! Oh my God! Happy New Year! I can't. That's the problem. Even left leg is lazy. I know it's lazy. Yeah. Laika. Happy New Year, Laika. Boy, to even kill it. Even boy kill it for a to me. Happy New Year. Good morning, friends, और I wish you a very very happy and prosperous New Year to all of you. New Year का आज second day है. कल के आपने clips देखे होंगे, कल first day था. कल हम लोग कहीं नहीं गए, कल हम लोग ने rest लिया दिन भर. और actually बहुत ज़्यादा parties और घूमना फिरना हो गया था, इसलिए हम लोग ने rest लिया. और रात को फिर हमारे ये जो neighbor का घर है ना, वहाँ पे उन लोगों ने पार्टी रखा था, मतलब bonfire वगैरह था, डिनर वगैरह था, तो वहाँ पे गए थे. उसका शूट वगैरह मैंने कुछ नहीं किया. और आज अभी ये देखे, हम लोग रेडी होके जाने निकले हैं जो रात भैया के घर पे, क्योंकि न्यू ईयर है, जाना तो बनता ही है और संडे भी है इसीलिए. और भाभी का भी अभी लाइक टाइम आ ही रहा है उसका डिलीवरी का, तो उन सब के चक्कर में हम लोग आज वहाँ जा रहे हैं. और बस ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं. तो हम लोग अभी नुमलीगढ़ से निकले ही थे कि यहाँ हाईवे में, यहाँ जाम में हम लोग फंस गए. ये एक ट्रेलर के ऊपर एक कुछ आई डोंट नो, ये रास्ता बनाने का कुछ मशीन होगा, वो आ रहा था जो कि पूरे ही दोनों लेन को कवर कर रहा था. तो हम लोग को गाड़ी अपना मोड़ना पड़ा, मोड़ के फिर हम लोगों ने साइड में पार्क किया. और बहुत देर के बाद जब वो गाड़ी निकल गई, वो ट्रेलर निकल गया, उसके बाद फिर यहाँ पे जाम लग गया. सम हाउ हम लोगों ने अपना गाड़ी मोड़ा और फिर फाइनली हम लोग वहाँ से निकले. तो इन सब चक्करों में ऐसे ही हम लोग लेट निकले थे घर से, और फिर ज़्यादा लेट हो गया वहाँ पे रुकते रुकते. बट अदरवाइज़ अभी जो जोरहाट और नुमलीगढ़ का रास्ता है ना, ये अभी 4 लेन का काम यहाँ पे चल रहा है. और जगह जगह तो मतलब रास्ते बहुत अच्छे ही हैं, पर जगह जगह डाइवर्जन होते हैं और ये ब्रेकेज होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है. बट अदरवाइज़ ये देखिए, ये देरगांव क्रॉस कर लिया था हमने, और ये रास्ता देखिए बिल्कुल ही अलग सा लगता है, क्योंकि दोनों तरफ लेन बने हुए हैं. और ट्रूली ये 4 लेन हो गया है अभी, और मतलब ड्राइव अभी ईजी हो गया है नुमलीगढ़ से जोरहाट का. और ये रोड भी इस तरह से बने हुए हैं ना, तो अभी अच्छा लगता है जाके, और लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ पर भी. सो या अभी उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे जोरहाट. लगे चल हो बोले. हैप्पी अनदर कोविड. हाय, हैप्पी न्यू ईयर. मम्मा या हैप्पी अनदर कोविड ईयर. नो नो नो, नॉट अनदर कोविड ईयर, आई डोंट वांट इट. सो मोटे मामार खेती. আর বান্ধাকবি বিলাকো হয়েছে ভাই, এই তার আছে. तो आज खाना बना रहा था मेरा भाई, क्योंकि भाभी का तो यही हालत है ना, उसका एकदम बिल्कुल ही फाइनल स्टेज है अभी प्रेगनेंसी का, तो खाना खाने में वो लगा हुआ था. और ऐसे भी मेरा भाई बहुत अच्छा ही खाना बनाता है, वो पहले से ही खाना बनाता था जब हम लोग छोटे थे, तब से उसको खाना खाने का और बनाने का शौक है. और यहाँ इस कढ़ाई में देखिए, ये घर के जो पालक थे ना, घर के पालक का ही फिश के साथ झोल बनाया हुआ था, और चिकन बनाया था उसने, और पुलाव वगैरह सब बनाया था. तो खाना बहुत ही ज़्यादा यमी था. और यहाँ मैं बुला रही हूँ परी को खाना खाने के लिए, और वो मना कर रही थी इनिशियली, उसके बाद फिर मैंने उसको खिलाया, फिर हम सब भी एक साथ बैठे खाने के लिए. और यहाँ मेरी भाभी की मम्मी भी आई हुई है.
बहुत ये तो टॉमी रे कोनो बंखर हो सके ओ इट्स सो क्यूट एतो मैं আমি কেমার তক পোয়া তা দগিনিস না তাওয়া তো বাড়িছি और ये देखिए मेरे भाई का किचन गार्डन। एक्चुअली ये एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था तो मेरे भाई एक्चुअली वो लोग मेनली पुणे बेस्ड है तो पुणे में रहते हैं। अभी तो उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसलिए वो लोग असम में है तो उसे इन सब का बहुत ज़्यादा शौक़ है लेकिन उसे आइडिया थोड़ा सा कम था लेकिन फिर भी उसने बहुत कम टाइम में इस तरह से पूरा किचन गार्डन इस एरिया में रेडी कर लिया। और मैं जाके मैंने जब देखा तो मैं बिल्कुल शॉक थी और उसने सब कुछ खुद ही किया है लाइक नो अदर हेल्प कोई माली वगैरह कुछ भी नहीं है। वो खुद सुबह उठ जाता है मॉर्निंग वॉक करता है उसके बाद आके फिर यहाँ पे खेती करने में लग जाता है और इस दिस इज हिज फर्स्ट टाइम मतलब ये सब किचन गार्डन में सब उगाना लेकिन उसने बहुत अच्छे से कर लिया है। बहुत सारी सब्जी वगैरह वहाँ पे उसने उगाए थे और ये यहाँ पे हमारे लिए वो शलजम होता है ना जिसको फूल को भी बोलते हैं असम में वो दो उसने तोड़े और हमको दे के भेजाएंगे जाके टेस्ट करना। और बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये इसमें खाद वगैरह कुछ नहीं गया है लाइक यूरिया वगैरह नहीं है तो हेल्दी भी है। और आज हम लोग इसको खाएंगे और उसका टेस्ट तभी पता चलेगा बट देन मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर मतलब वेरी कमेंडेबल उसने बहुत अच्छा काम किया है इतने कम टाइम में। और मैं मतलब उससे बहुत ज़्यादा आज इंस्पायर हो गई और मुझे भी थोड़ा सा जोश आ गया है। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए हम लोगों ने बातें वगैरह की मतलब क्या प्लानिंग है कब हॉस्पिटल में एडमिट होना है ये सब कुछ और क्या क्या हॉस्पिटल बैग में जाएगा ये सब डिस्कशन किए चाय पिया। ओके बाय बाय बेस्ट ऑफ लक मजा आ ही में बाय बाय फोटो उठा लो बाय बाय दिन बाय मोटा बाय Bye-bye. Why am I pregnant? Baby. Mami, kwa? Kya le? Mami, ya tumhe paisa ho dile? Doggy. Ya paisa to bole. Kintu wo pa. Ekko na pa. Ekko na pa ne? Bye. तो हम लोग अभी आके पहुँचे हैं जोरहाट से लाइक थोड़ी देर हो गया है पहुँचने के बाद। अभी रूपा को बोले चाय बनाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है। चाय पीऊँगी उसके बाद ही मैं ड्रेस चेंज करूँगी और उससे पहले मैंने सोचा कि ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेती हूँ। और एक्चुअली मेरी भाभी उसका भी डेट बिल्कुल ही पास में है तो इसलिए हम लोग मतलब आज ही चले गए थे क्योंकि आज संडे था उसके बाद फिर टाइम निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता जाने के लिए लेकिन मतलब कुछ अगर गुड न्यूज़ आ जाता है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा वो तो जाना ही बनता है। और मैं होप कर रही हूँ कि फिंगर्स क्रॉस्ड है कि सब कुछ ठीक से हो जाए अच्छे से और आप लोग भी प्रे कीजिएगा उसके लिए। और आप लोगों ने देखा मेरे भाई का जो किचन गार्डन उसने बनाया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे मेरे भाई की वही बात अच्छी लगती है कि वो ऐसे ही नहीं बैठा रहता है वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में अपने आप को लगा के रखता है और उसकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और सीखने वाली भी होती है क्योंकि यार सच में हम लोग का जो फ्री टाइम होता है और खाली दिमाग होता है ना बिल्कुल ही शैतान का घर होता है। तो इससे बेटर है कि हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहे। और देखिए दिनचर्या का जो भी काम होता है ना वो तो करना ही है हमें वो तो ऐसे ही करना है लेकिन हमको एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे मतलब जब हम लोग सोने वाले होते हैं उस टाइम पे हमको ये इवेल्यूएट करना चाहिए कि आज के पूरे दिन में हम लोगों ने कितना वैल्यू ऐड किया है अपने लाइफ में कितना प्रोडक्टिव काम किया है। अगर हमने एक भी कर लिया है ना दैट मीन्स कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि फ्री टाइम मिलता है गॉसिप करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं बट देन ये सब बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव काम होते हैं कहीं आपको कहीं भी लेके नहीं जाएंगे आपको एक ही जगह पे स्टक करके रख देंगे। तो मैं भी जितना हो सके मैं भी अपने टाइम को इसी तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ एक भी स्लॉट मैं कभी भी इन सब कामों के लिए नहीं रखती अपने टाइम में से 24 घंटों में से मैं मैक्सिमम टाइम तो मैं काम ही करती रहती हूँ कभी रिलैक्सेशन कर लिया कभी हम लोग बाहर चले गए फिर भी
दिन भर में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भाई जितना वो कर रहा है, यू नो, वर्क फ्रॉम होम है, घर संभालना, एंड देन वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, उसके बाद फिर ये किचन गार्डन बिल्कुल ही लाइक अपने हाथों से किसी की भी हेल्प के बिना करना रियली कमेंडेबल, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज के दिन में मैंने यही सीख लिया है कि अपने दिन को किस तरह से और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए, और ज़्यादा उसमें वैल्यू ऐड किया जाए, और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ा जाए। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग टुडे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना रही हूँ अपने गए साल के ऊपर, लाइक 2021 के ऊपर, कि मेरी YouTube जर्नी 2021 में कैसी रही, क्या क्या किया मैंने, क्या क्या सीखा, क्या क्या मिस्टेक्स थे, इस तरह का एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और बहुत जल्द आप लोग के लिए मैं लेके आऊँगी। सो टिल देन, बाय फॉर नाउ गाइज़।